नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में तो इस समय बिलासपुर से बड़ी खबर सामने आई है। नागपुर बिलासपुर वंदे भारत एक्सप्रेस पर पांचवी बार पत्थरबाजी, बच्चों ने मारा पत्थर, ट्रेन का टूटा कांच, छह बच्चे हिरासत में। नागपुर से बिलासपुर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में फिर पत्थरबाजी हुई है। कामठी के पास हुई इस घटना में शामिल छह नाबालिगों को आरपीएफ ने पकड़ लिया। पकड़े गए बच्चों को बाल न्यायालय नागपुर में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि नागपुर बिलासपुर वंदे भारत एक्सप्रेस में पत्थरबाजी की यह पांचवी घटना है। मिली जानकारी के मुताबिक रविवार को वंदे भारत एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय पर नागपुर से रवाना हुई थी। इस पर दोपहर 2:14 में कामठी रेलवे स्टेशन के पास पत्थरबाजी की गई। पथराव के कारण कोच सी 6 का कांच टूट गया। ट्रेन के स्टाफ ने इसकी सूचना रेलवे सुरक्षा बल नागपुर को दी। मौके पर पहुंचकर आरपीएफ ने स्थानीय लोगों से मिली सूचना के बाद छह बच्चों को हिरासत में लिया। उनके विरुद्ध मामला पंजीबद्ध किया गया। उक्त बच्चों को नियमानुसार कार्यवाही करते हुए जमानत का लाभ देते परिजनों के साथ घर भेजा गया। पकड़े गए बच्चों को बाल न्यायालय नागपुर में प्रस्तुत किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि पिछले 11 दिसंबर से यह ट्रेन नागपुर और बिलासपुर के बीच चल रही है। ट्रेन शुरू होने के एक दिन पहले दुर्ग के पास इसमें पत्थर फेंके गए थे। इसके बाद 14 दिसंबर को भिलाई पावर हाउस और भिलाई नगर थाने के बीच पत्थरबाजी की घटना हुई थी। इस महीने की 21 तारीख को भी ट्रेन पर पत्थर फेंक कर शीशा तोड़ा गया था। देश के अलग अलग स्थानों पर वंदे भारत हाई स्पीड ट्रेन की शुरुआत की गई है। उसके बाद से इन ट्रेनों में पथराव की घटनाएं हो रही है।